हेलो एवरीवन, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलता रहेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है और उसके सेंटेंसेस कैसे बनाना है, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम सेंटेंस हजारों बना सकते हैं। कैसे? सपोज आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल में गया था। आई वेंट टू नासिक टू इयर्स एगो, मैं 2 साल पहले नासिक को गया था। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे फॉर्मूला पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यदि आपको भी ऐसे फॉर्मूला पता है तो आप भी ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलो देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो पहले क्या होगा सब्जेक्ट फॉर्मूला में, क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट होता है। आपको जेंडर वॉइस पता है ना, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना इसे जेंडर वॉइस कहते हैं और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में करना इसे क्या कहते हैं? इसे भी जेंडर वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब आने वाला है। हेल्पिंग वर्ब आने वाला है या है क्या? नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, डायरेक्ट ही मेन वर्ब होता है। लेकिन वो मेन वर्ब कौन सा होता है? वी टू होता है, वी टू। जैसे ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? फाइव फॉर्म होते हैं। फाइव फॉर्म में से सेकंड फॉर्म हमें क्या करना है? यूज करना है सेकंड फॉर्म। सपोज ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड है तो यहाँ पर ब्रॉड यूज करना है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट है तो वेंट यूज करना है। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक है तो ड्रैंक यूज करना है। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग है तो सैंग यूज करना है। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड है तो प्लेड यूज करना है। ऐसे हमें क्या करने हैं? सेंटेंस बनाने हैं। सब्जेक्ट प्लस वी टू। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आई, यू, शी, ही, इट, दे, वी। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसको कहाँ पर यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए यूज करना है। राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी नाम आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। चलो सब्जेक्ट प्लस वी टू आप देखिए, प्लस क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? जैसा सब्जेक्ट है जैसा वर्ब पे वैसे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ रहा है समझ में? चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ सब्जेक्ट क्या है। कोई भी ले सकते हैं, आपको पता है आई, यू, वी, ही, शी, इट। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई, क्या है सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राम, गीता, क्या ये सब्जेक्ट है? ये नेम ऑफ पर्सन, दिस इज द नेम, दीज आर नेम ऑफ पर्सन एंड दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं चूज करता हूँ आई, I wrote here I, I subject लिया तो यहाँ पर V2, V2 क्या करना है? V2 कैसे होना चाहिए? Second form में होना चाहिए। I went to school, I went to school, कल मैं स्कूल में गया। लेकिन गो यस्टरडे, कब गया? यस्टरडे।
यस्टरडे इरेज किया तो चलेगा, यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया। तो ये बन गया सेंटेंस। किसका सेंटेंस? सिंपल पास्ट टेंस का। कैसे? सब्जेक्ट आई लिया वेंट, वी टू वेंट लिया, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है और ये ऑर्डर फॉर है, ऑर्डर वर्ब। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये पता होना चाहिए आपको। क्या एक पर्सनल प्रोनाउन है? बीपी पर्सनल प्रोनाउन। वेंट वी टू ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और कौन सा वर्ब है? रेगुलर या इरेगुलर? ये इरेगुलर वर्ब है। मैं हमेशा कहता हूँ जिस वर्ब को ईडी लगाते नहीं, जिस वर्ब को ईडी नहीं लगाते उसे क्या कहते हैं? उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंटेड, तो गो को ईडी लगाया जाता है क्या? नहीं, गो को ईडी नहीं लगाया जाता। तो गो क्या है, वेंट क्या है? इरेगुलर वर्ब है। सपोज सेव, सेव, सेव कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है, क्योंकि उसे ईडी लगाया जा रहा है इसलिए रेगुलर वर्ब है। रेगुलर इरेगुलर ये पता होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है टू, टी टू क्या है? प्रीपोजिशन है स्कूल। ऑब्जेक्ट यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा लेता हूँ, दूसरा प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन लो, किसी का भी नाम लो। रा, रो, लेटो, रा, रोड और लेटर, रा, रोड और लेटर। आया समझ में? राम क्या है? सब्जेक्ट है। रोड क्या है? वर्ब है। और क्या है? आर्टिकल है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। राम रोड और लेटर, ये क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया है। लेकिन कब लिखा है? कब लिखा राम ने? राम रोड और लेटर टू मंथ एगो। कब लिखा? राम रोट लेटर टू मंथ एगो, दो महीने पहले राम ने लेटर लिखा। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। तो थर्ड, थर्ड बता रहा हूँ, एक ही लेता हूँ आपको, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए थर्ड कोई भी वर्ड लो। ही सेव मनी, ही सेव 20 रुपीज, 20 रुपीज, ही सेव 20 रुपीज, उसने कितने रुपीज बचाए? 20 रुपीज बचाए। गो टुडे, टुडे भी लिख सकते हैं, टुडेज मॉर्निंग, इन द टुडेज मॉर्निंग ही सेव 20 रुपीज टुडे। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस क्या है? जो हमने किया है, पहले किया है। सपोज थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था? ब्रेकफास्ट किया था। I had a breakfast 10 minutes ago. I had a breakfast 10 minutes ago. I came to school 20 minutes ago. It is called as simple past tense. आ रहा है समझ में? तो ये active voice के sentences हैं। He saved 20 rupees today. यहाँ पर अब देखिए ये सेंटेंस बन गए। आज के सेशन में इतना ही था। आपको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो वर्ब कोई भी, कितने भी, बहुत सारे वर्ब है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं मन से। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? जैसा सब्जेक्ट है, जैसा वर्ब है वैसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो और एक सेंटेंस देता हूँ मैं। तो देखिए We
हमने क्या खेला? एक गेम खेला। कौन सा गेम? एक गेम कौन सा भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। वी प्ले अ गेम। तो यहाँ पर देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, विंडू है। और क्या है, आर्टिकल से। गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज कितने सेंटेंस बताए आपको मैंने? 1, 2, 3, 4। यदि आपको ये 4 सेंटेंस बनाना समझ में आया है तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद सब्जेक्ट, तो आप सबको पता है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आ, यू, शी, ही, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। वीटू क्या है, वीटू बहुत सारे वीटू है। वीटू गो, वेट, सिंग, सैंग, ड्रिंक, ड्रैंक, प्ले, प्लेड, सेव, सेव्ड, कट, कट, हिट, हिट, सीट, सैट, वॉक, वॉक, ये क्या है, हिट हुई। अरे समझ में? तो आज के सेशन में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, जिससे मैं जब मुझे आप हाय भेजोगे तब मैं क्या करूँगा, आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर लो, 9579696861। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। सर मुझे आपके ग्रुप में ऐड करो। मैंने मैच की 100 नाम का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आप सबको उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई भी वीडियो चाहिए हमारे चैनल का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर यूट्यूब पर आपको क्या करना है, मैथ्स की MATS की 100 ऐसे सर्च करना है। जब आप यूट्यूब पर ऐसा सर्च करोगे तो हमारे सब वीडियो आपको दिखने लगेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।